बड़ा प्यारा एक गीत आया था। कौन सा? कि मेरी अखियां मेरे सपने। परछाई पर नजर पड़ी तो भगवान एकदम से उठकर खड़े हो गए। और जब खड़े हुए तो उस नारी ने भगवान श्री राम को प्रणाम किया, और जब प्रणाम किया तो भगवान राम ने कह दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। और जैसे ही इतना कहा उस नारी ने अपना घूंघट हटा दिया। वो कोई और नहीं, लंकापति रावण की पत्नी मंदोदरी। जैसे ही घूंघट हटाया, देखा कि उस नारी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। भगवान राम ने कहा, माता आप रो क्यों रही हैं? मंदोदरी ने कहा, क्या हे राम जी, गजब कर दीना, हर तुम्हारे बचन ने गजब कर दीना। जो मुख से उचारा सौभाग्यवती भव, है मुख से उचारा कुछ भी ना बिचारा तो कैसा निर्णय ले लीना। गजब कर दीना तुम्हारे बचन।
आप तो जानते हो राम के वो दीपक में उनकी बाती है, अरे फूल मेरे में उनकी पाती। अरे वो दीपक में उनकी बाती, फूल वो मेरे में उनकी पाती। पहले आपने मार दिया मेरे पति को, तो यू नाथ बिना रानी सौभाग्यवती भव है मान पति सम्मान पति, है मान पति सम्मान पति, पति बिन सौभाग्यवती ना है मान पति सम्मान
सुना सुना सोच करके रह गए। तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। समझ गए हैं आप लोग? हाँ, मेरे कहने से पहले आप लोग समझ गए हैं। भगवान ने कह दिया जाओ, अगर राम ने कह दिया अखंड सौभाग्यवती भो तो सौभाग्यवती ही रहोगी। हाँ, तुम्हारे पति की चिता कभी ठंडी नहीं होगी। तो है मान पति सम्मान पति, पति जिन सौभाग्यवती ना, अरे गजब कर दीना। अरे तुम्हारे बचन गजब कर दी, ओ ओ ओ ओ, कि मेरी अखियां मेरे सब बाबूलाल
है बाबूलाल भैया सुनिए। भरे आंसू से ना बोली ऐसे है बना मुदरी से छीना नगीना तो बड़ा दुख दीना तेरे लखन ने करने बताया जब लिख कर